जय भोलेनाथ। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पस है आपको महाशिवरात्रि की पूजा के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, और खासकर पंचामृत के बारे में। कुछ ना मिले तो कोशिश करिए पंचामृत ही बना के भगवान को शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, भोलेनाथ को। तो ये मैंने पूजा की थाली तैयार की है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे। तो सबसे पहले मैं पंचामृत की बात करता हूँ। तो पंचामृत में मैंने गंगा जल लिया है, शुद्ध देसी घी है, दूध है। दूध कोशिश कीजिए काउ मिल्क हो, गाय का मिल्क हो, ना मिले तो कोई भी चलेगा, वैसे मिक्स भी चलेगा, बट कोशिश कीजिए इन जनरल मिल जाता है। और साथ में है दही और शहद। तो हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करना, शहद का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पांच मेन इंग्रेडिएंट्स हो गए पंचामृत के लिए, जिनका आप भोग लगाएंगे भोलेनाथ को। ठीक है, तो भोग लगाने के लिए आपको क्या करना है, दही, दही के 2 या 3 चम्मच ले लीजिए। उसके बाद दूध ऐड कर दीजिए उसमें, सेम 2-3 चम्मच, देसी घी का 1 चम्मच, और शहद 1 चम्मच, और गंगा जल 3-4 चम्मच। ये सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। और सर्वप्रथम सुबह जब भी आप पूजा के लिए उठे, नहा धो के स्वस्थ साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, ठीक है, धूप दीपक करके फिर शिवलिंग पे ये पांचों चीज़ें चढ़ाएं, और बाद में आप एज ए प्रसाद भी इन पंचामृत को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो महाशिवरात्रि पे आपको ज़रूर करना चाहिए। आप पे आपके ऊपर महा भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहेगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और दूसरा, जो और चीज़ें जो मैंने ली हैं, आपको उस दिन बेलपत्री आराम से मिल जाएगी, तो बेलपत्री ले लीजिए। और पार्वती माता के श्रृंगार की वस्तुएं जो लेडीज़ इन जनरल यूज़ करती हैं, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, रुमाल, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको आसानी से, ये ले लीजिए। ये जनेऊ है, इसका मैंने वो राउंड से अगर आप दिख पा रहे होंगे नारियल के ऊपर रखे हैं, तो ये भोलेनाथ को शिवलिंग के ऊपर और गणेश जी को चढ़ाएंगे हम। ठीक है, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और ये सुपारी हो गया, लौंग हो गए, ठीक है, और चावल और चीनी, इसे भी आप अर्पण कीजिए और पुष्प रखिए साथ में। और नारियल फल में मैंने अंगूर लिए हैं, केला लिया है, बेर लिए हैं, आपके पास जो भी फल अवेलेबल हो इजीली वो आप ले लीजिए। वैसे महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे हर मंदिर के आसपास आपको ये सारी लगभग जितनी भी मैंने आइटम्स दिखाई हैं ये आपको इजीली मिल जाएंगी, 20-30 रुपए में पैकेट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे, तो आप इजीली उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो मंदिर के आसपास ये आपको सारी चीज़ें इजीली मिल जाएंगी। और इसमें ऐड कीजिए भांग, वो मैं सुबह ऐड करूँगा क्योंकि मंदिर के बाहर मुझे इजीली मिल जाएगी। और भांग धतूरा मिल जाए और भी बढ़िया है, बट कोशिश कीजिए भांग आपको इजीली मिल जाएगी शिवरात्रि वाले दिन। तो भांग इसमें ज़रूर ऐड कीजिए, और इन चीज़ों से भगवान भोलेनाथ को ये सारी चीज़ें अर्पण कीजिए और श्रद्धा के साथ पूजा कीजिए। प्रभु भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और भगवान आप सब भक्तजनों का हमेशा कल्याण करें, भोलेनाथ की कृपा इस सारी सृष्टि संसार पे बनी रहे। इसी के साथ ये मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय भोलेनाथ।